भारत ने पाकिस्तान में आके खेलने से इंकार कर दिया है। सर ये पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है कि जहां पे भी क्रिकेट की बात आती है ये कश्मीरियों को भूल जाता है, बुरहान वानी को भूल जाता है, ऐसा क्यों? Well, and I have a feeling कि अगर पाकिस्तान wants to walk the walk and talk the talk, वो भी maintain करे कि भाई हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे because of the human rights situation in Kashmir. चक्कर ये है कि क्रिकेट में जो पैसा आया है that is primarily because of Indian market. So पाकिस्तान उनके दिमाग में they are losing a lot of money because India is not coming to Pakistan, Pakistan is not coming to India. Think they just want to have the benefits, financial benefits of cricket. तो पाकिस्तान अब धमकियां ये दे रहा है कि एक हम इंडिया नहीं आएंगे वर्ल्ड कप खेलने, तो ये जो धमकियां दे रहा है पाकिस्तान इट इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस। इससे पहले भी उन्होंने धमकी दी थी कि हम आईसीसी को कोर्ट में ले जाएंगे इधर उधर, वो जाके दे लॉस्ट दैट, वो हम अदालतें में घूमते रहे, वो हमारे हक में नहीं फैसला आया क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का जी हम नहीं करने देते, खत्म हो गई बात। मतलब आई थिंक इंडिया इज अपनी फुल राइट टू से कि भाई जब तक तुम ये बॉर्डर पे जो तमाशे करते हो, टेररिज्म वगैरह जो कर रहे हो, यू हैव टू पुट फुल एंड टू इट बिफोर वी विल प्ले। जो उसको लीड कर रहा है उसने उस मुल्क के सेकुलरिज्म को दफन कर दिया। ये आदमी हिंदू हिंदुइज्म का हामी है। हेलो दोस्तों, निशब्द रिएक्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पाकिस्तान के दोगलेपन के बारे में बात करेंगे, जहां वो एक तो कश्मीर के मुद्दे पे अटक के इंडिया से जो है ट्रेड बंद करके रखा है, जहाँ पे हर मीडिया हाउस वहाँ से, हर पॉलिटिशियन वहाँ से, जो भी है हर डिबेट में और हर जगह ये कहते फिरते हैं कि जब तक कश्मीर का 370 जो है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता तब तक के वो इंडिया से कोई ट्रेड नहीं करेंगे, उसकी काफ़ी ज़्यादा उसको एनकरेज करते हैं इस डिबेट को। वहीं दूसरी ओर जहाँ PCCI ने अभी निर्णय लिया है कि वह पाकिस्तान से कोई मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान में जाके, तब से उनको इतनी मिर्ची लगी है कि वो खुद भी कहते हैं कि अब हम इंडिया से वर्ल्ड कप में भी और यहाँ तक के चैंपियंस ट्रॉफी में भी कोई मैच खेलेंगे नहीं। इस वजह से जो उनका दोगलापन है वो काफ़ी हद तक लोगों के सामने आ चुका है और वो हमेशा करता है। इसी बारे में जो वीडियो है ये है, तो चलिए इस वीडियो का मज़ा लेते हैं। सर ये पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है कि जहां पे भी क्रिकेट की बात आती है ये कश्मीरियों को भूल जाता है, कश्मीरियों के खून को भूल जाता है, बुरहान वानी को भूल जाता है, ऐसा क्यों? Well, yeah, they want to say keep the sports and politics separate. लेकिन स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स सेपरेट कैसा रखेंगे? आप देखें ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के झगड़े हो रहे हैं, आपने देखा एशिया कप में इन दुबई, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स डिफिकल्ट टू सेपरेट पॉलिटिक्स फ्रॉम स्पोर्ट्स। एंड आई हैव अ फीलिंग कि अगर पाकिस्तान वांट्स टू वॉक द वॉक एंड टॉक द टॉक, वो भी मेंटेन करे कि भाई हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे बिकॉज ऑफ द ह्यूमन राइट सिचुएशन इन कश्मीर, सो दे शुड बी ट्रू टू दैट थिंग। दे जस्ट वॉन्ट टू हैव द बेनिफिट्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ क्रिकेट। चक्कर ये है कि क्रिकेट में जो पैसा आया है दैट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ इंडियन मार्केट। अगर किसी भी क्रिकेट बोर्ड को पैसे बनाना है तो इंडिया से खेलते हैं। सो पाकिस्तान उनके दिमाग में दे आर लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, पाकिस्तान इज नॉट कमिंग टू इंडिया। लेकिन अभी क्या हुआ, जय शाह जो सेक्रेटरी है BCCI के, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वी विल नॉट गो टू पाकिस्तान। सो इट हैज एनरेज्ड द पाकिस्तानी, क्योंकि जय शाह इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट एसोसिएशन। पाकिस्तान कह रहा है कि भाई तुम यूनिलैटरली, जय शाह ने इसको अनाउंस कर दिया, तो पाकिस्तान अब धमकियां ये दे रहा है कि एक हम इंडिया नहीं आएंगे वर्ल्ड कप खेलने, दूसरा एशियन क्रिकेट काउंसिल से विड्रॉ कर लेंगे अपने आप को, और तीसरा ये कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में होती तो क्या इंडिया आएगा। आई कैन टेल यू दिस मच कि अनलेस कोई मेजर चेंजेस हो आइंदा दो साल में, इंडिया इज नॉट गोइंग टू गो टू पाकिस्तान। और अगर इंडिया नहीं खेलता है तो क्रिकेट टूर्नामेंट ही मर जाएगा, बिकॉज सारी दुनिया पैसे सिर्फ इंडिया के टेलीविजन राइट्स पे चलती है ये सारी क्रिकेट। इवन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सब गरीब मुल्क हो जाएंगे क्रिकेट वाइज अगर इंडिया पुल्स आउट ऑफ इट। तो ये जो धमकियां दे रहा है पाकिस्तान इट इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस। इससे पहले भी उन्होंने धमकी दी थी कि हम ICC को कोर्ट में ले जाएंगे इधर उधर, वो जाके दे लॉस्ट दैट। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान हैज टू रियलाइज के यू कांट से के हम जियोपॉलिटिकल तमाशे एक तरह से करते रहेंगे फिर आपके साथ क्रिकेट भी खेलेंगे, इट इज नॉट समथिंग दैट कैन हैपन। मतलब आई थिंक इंडिया इज अपनी फुल राइट
टू से कि भाई जब तक तुम ये बॉर्डर पे जो तमाशे करते हो, टेररिज्म वगैरह जो कर रहे हो, यू हैव टू पुट फुल एंड टू इट बिफोर वी विल प्ले। भारत ने पाकिस्तान में आके खेलने से इनकार कर दिया है। सवालिया निशान जो है वो उठाए जा रहे हैं कि ऐसा भारत ने क्यों किया है। एक तरफ तो हम अच्छे अच्छे पिक्चर शेयर कर रहे होते हैं बाबर आजम की विराट कोहली के साथ, दूसरी जानब ये प्रोपोगंडा क्यों हो रहा है? ये कौन सा प्रोपोगंडा? ये प्रोपोगंडा कि पाकिस्तान नहीं आके खेलना, कोई और दूसरा होगा, यूएई में खेल सकते हैं आप, श्रीलंका ले जाए वहां खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं खेल सकते। देखिए ऐसे है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल एक आईसीसी का हिस्सा है मगर थोड़ी सी इंडिपेंडेंट भी है। फंडिंग उसकी आईसीसी करती है मगर उनको वो एशिया की जो क्रिकेट का काउंसिल्स हैं वो सारी उसमें रिप्रेजेंटेड हैं। अब आपको मैं याद दिला दूं कि गालबन 2014 में हमारी नेगोशिएशंस हुई थी बीसीसीआई के साथ कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज फिर से शुरू होनी चाहिए। उस वक्त ये नहीं था कि पाकिस्तान में होगी या इंडिया में होगी, और ये था कि थर्ड कंट्री में होगी, जिस पे वो इत्तेफाक भी हो गया, अग्रीमेंट भी साइन हो गई, और इतने पैसे इकट्ठे होंगे और हमें इतने पैसे मिलेंगे और उनको इतने पैसे मिलेंगे, ये सारी बातें हो गई। हालांकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत आ चुकी थी मगर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था, तो बीसीसीआई ने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट और हम बड़े खुश थे कि लो जी इतने अरसे के बाद 2008 के बाद या 9 के बाद फिर से रिवाइवल हो रही है। आखिरी वक्त पे इंडियन गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी थी, इजाज़त नहीं दी, वो हम अदालतें में घूमते रहे, वो हमारे हक में नहीं फैसला आया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा जी हम नहीं करने देते, खत्म हुई बात। अब ये भी सूरत वही है कि इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त बीसीसीआई को इजाज़त नहीं दे रही कि वो पाकिस्तान में जाके एशिया कप में पार्टिसिपेशन करे। आप क्या समझते हैं कि भारत ने पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से इनकार किया, ये रवैया किस तरह से आप देखते हैं? ये बहुत नेगेटिव है। दे ऑल वॉन्ट टू कम एंड प्ले इन पाकिस्तान। बीसीसीआई उसकी मजबूरी है, वो बीजेपी के अंडर है और बीजेपी बेसिकली उसको कंट्रोल करता है। ये बीजेपी एक बड़ी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको ब्लैकमेल किया इस टूर को। मैं ये समझता हूँ कि भारत ये समझ रहा है कि अगर हम पाकिस्तान में आए और हार गए तो बड़े बेइज्जत होंगे। वो 2007 से इसी रवैये पे चल रही है कि अगर वो वाकई ही पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं तो क्रिकेट एक वाहिद गेम है। उन बातचीत को शुरू करने से पहले तो सबसे पहले क्रिकेट आ जाती है, और जब हम उनको वेलकम करने को तैयार हैं तो आपको मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो उसको लीड कर रहा है उसने उस मुल्क के सेकुलरिज्म को दफन कर दिया। ये आदमी हिंदुइज्म का हामी है, इसने उस मुल्क का जो सेकुलर सोच थी, जो सेकुलर निशानी थी, उसके ताबूत में ये कील ठोंक रहा है। उनका क्या 2006 से शुरू किया। यस सर, पाकिस्तान ने पीसीबी ने खत लिख दिया एसीसी को, आपकी नजर में क्या ये मुअसर इकदाम उठाया गया है? हमें देखना ये होगा कि ये कोई ऐसा ट्रैप तो नहीं कि हम कहें कि जी हम बहुत सख्त जवाब देंगे, वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, हमारी टीम जो है दुनिया की बेहतरीन टीम है, तो हमने ट्रैप नहीं होना। अगर वो ये समझ रहे हैं कि हम इनको गुस्से में ले आएंगे, इश्तियाल में ले आएंगे, हम बायकॉट करते हैं एशियन क्रिकेट कप का और ये बायकॉट करते हैं।